हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 14 अक्टूबर है तो हम लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम। एक्चुअली मेरे लास्ट वीडियो में, मैं प्रीवियस वीडियो में बोली हूँ कि हम लोग का घर माने झारखंड जाके, ससुराल में जाके हम लोग का कुछ मन्नत है जहाँ पर हम लोग बाबा धाम जाएंगे। तो आज है वो दिन, हम लोग जा रहे बाबा धाम। तो आज संडे है, आज हम लोग का ट्रेन आएगा, मैं हम लोग वेट कर रहे हैं। और वो बाबा धाम आज रात को पहुँचेंगे, कल सुबह सुबह बाबा धाम से पूजा वूजा करके उसके बाद एक नया जगह में जाएंगे और वहीं पर पूजा सेलिब्रेशन होगा। एक्चुअली मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ चारों मिलके जा रहे हैं हम लोग। तो बाबा धाम का शूट मैं करूँगी जितना हो सके। अभी बज रहे हैं 7:00, ससुराल में मैं ब्लॉग अभी तक नहीं बनाई हूँ, नहीं शूट की हूँ। तो हम लोग पूजा से घूम के आने के बाद से शूट करूँगी। तो काफ़ी पी रही हूँ, चीयर्स। तो यहाँ पर है मेरा सासू माँ। तो ये तो अभी कॉफ़ी पी, एक्चुअली हम लोग हड़बड़ी में निकल गए, चाय पी थी लेकिन और एक बार पीने का मन कर, एक्चुअली यहाँ पर आके बहुत बार चाय हो जाता है तो इसीलिए चाय पी नहीं सकी, हड़बड़ी में निकल गए। तो अभी चाय पीने का मन कर रहा तो चाय नहीं पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ। तो और आपको ससुराल वाला ब्लॉग मिलेगा पूजा से घूम के आने के बाद, लेकिन सबसे पहले बाबा धाम का शूट करूँगी। भालो बनी छो कभी तो भालो बनी छो। ये है पापा। सर्दी हो गए हैं, बुखार हो गए हैं, बाबा धाम से घूम के आने के बाद ठीक हो जाएंगे, वही ठीक हो जाएंगे, यहाँ नहीं। फ्रेंड देखिए मेरा हम भी आ गया है, तो आप तो पहचानते ही है। तो ये बाबा धाम जा रहे मिस्टर सोमनाथ। तो हम लोग अभी ट्रेन का वेट कर रहे, बोर हो रहे, क्या करेंगे, इसीलिए सोच रही हूँ आपसे बात कर लूँ। तो यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में वॉक करते करते आपसे बात कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए स्वर्नालिस किचन को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाबा धाम। तो अभी अभी हम लोग होटल पे आए हैं, तो अभी बज रहे हैं 2, बहुत टायर्डनेस लग रहा है। तो अभी सब लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सुबह में और 1-2 घंटा रेस्ट करके उसके बाद हम लोग नहा धो के फ्रेश हो के बाबा का मंदिर जाएंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे, हम लोग भी दर्शन करेंगे। गुड नाइट, मिलती हूँ मॉर्निंग में। Have a little bit more,
पूजा के बाद अभी सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, तो मम्मी पापा लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं, तो हम लोग भी खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद क्या किए थे, सो गए थे, तो अभी जस्ट सो के उठे हैं हम लोग। लंच में वो यहाँ पर मिलता है चॉप चाप बैंगनी मूढ़ी चॉप मूढ़ी वो, तो वो सब हम लोग खाए, खा के उसका सो गए। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हम लोग अभी तक यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग का ट्रेन लेट है, तो छः घंटा लेट है। सबसे पहले दिखाया 4 घंटा लेट, फिर से देखी तो 4:30 बजे आने वाले थे ट्रेन, लेकिन फिर से दिखा रहा है कि 6 बजे आएंगे, तो हम लोग को आसनसोल जाना है, तो ट्रेन लेट है, क्या करेंगे। बहुत मूड ऑफ हो गया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया जो पापा का मोबाइल चोरी हो गया। पापा का मोबाइल चोरी मतलब क्या, घूम गया। तो पापा का मोबाइल घूम गया, और तो वही हम लोग जहाँ पर पूजा करने गए थे ना बाबा धाम, तो वहाँ पर ही इतना भीड़, बाप रे इतना रश है। हम लोग मैंने ऐसे नॉर्मल लाइन में तो पूजा कर ही नहीं सकते थे, तो VIP लाइन लिए, इसके लिए भी तभी भी लंबा लाइन को नहीं क्रॉस करना पड़ा, उसके बाद भी भीड़ था, लेकिन बहुत मुश्किल से पूजा हुआ। तो सबसे पहले बोलना चाहती हूँ आज सबको, ऑल व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को स्वर्नालिस किचन के ओर से महा षष्ठी बहुत बहुत शुभेच्छा। आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए महा षष्ठी। मैं जितना हो सके शूट की हूँ, ऑल बंगाली को, सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की, बहुत अच्छे से मनाइए। तो मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5, तो हम लोग का ट्रेन फिर से लेट हो गया, और तो 7 बजे ट्रेन आने वाला है। तो स्टेशन जाने में हम लोगों को ज़्यादा नहीं 20 मिनट लगता है, लेकिन हम लोग निकल जा रहे हैं, घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं होटल को, तो इसीलिए मैं सोची कि आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। हम लोग निकलते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं आसनसोल में। एक्चुअली मैं आसनसोल आके आपसे बात करूँगी, मैंने कहा था। एक्चुअली हम लोग आसनसोल आते आते बहुत रात हो गया था, तो 11:30 करीबन हो रहा था, तो रात 11:30 हो गया था, और बहुत ही ट्रेन लेट था। हम मैंने जैसे बताया था कि 7 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन ट्रेन आते आते 8 बज गया, और हम लोग घर पे पहुँचे 11:30 करीबन, तो इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकी। तो आज है नेक्स्ट डे, तो सबसे पहले कहना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड शुभ महासप्तमी सबको ही को। तो आज महासप्तमी है, और तो अभी बज रहे सुबह के 5:30। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ मेरे महासप्तमी वाला ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर, एंड महासप्तमी शुभेच्छा सबाई के।